हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड द क्लास ऑफ यूपीएससी सीसेट। टुडे आई विल डिस्कस सम पजल्स विद यू। अब पजल्स के अंदर भी आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेड्यूलिंग पजल्स डिस्कस कर रही हूँ। रीजन बिंग कि ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के पजल के आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट टाइप है। अब इस पजल से आपको बेनिफिट क्या होना है कि इस तरह की अगर कोई भी पजल आ जाती है तो आप उसको इजीली सॉल्व करोगे। आई विल गिव यू द मेथड कि अगर आपके पास में इस तरह की पजल्स आती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पजल है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे आपके पास में स्क्रीन पे एक पजल दिखाई दे रही है। क्या है? 8 persons ए बी सी डी ई एफ जी एच वर बोर्न इन 2 different dates, अलग अलग डेट्स पे उनका बर्थ हुआ है, दैट इज 5th and 23rd ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑफ द सेम ईयर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कह रहा है कि सेम ऑर्डर में नहीं है, बट इन इन डेट्स पे उनका बर्थ हुआ है। इस तरह से अब देखो, अगर आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपके पास में क्या क्या गिवन है, मेथड बता रहे बेटा, ध्यान से समझ लो। मेरा मेन मोटिव यही है कि भाई आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन तो एग्जाम में आना नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू सोल्व दैट क्वेश्चन। ओके, तो अगर आपके पास में कोई भी पजल आ जाती है जिसके अंदर आपके पास में कुछ डेट्स गिवन है, ठीक है, या फिर आपके पास में मंथ्स गिवन है, या फिर आपके पास में डे गिवन है, या फिर आपके पास में ईयर गिवन है, तो जो भी इस तरह की पजल्स होते हैं दे आर शेड्यूलिंग पजल। और इस तरह की पजल को सोल्व करने के लिए करेक्ट मेथड है कि आपको उस पजल को स्टार्ट कहाँ से करना है जिसकी सीक्वेंस आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में मंथ है तो हमें उसकी सीक्वेंस पता है कि भाई जैन के बाद फेब आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, इस तरह से तरह डेट्स है, डेट्स की भी सीक्वेंस हमें पता है। मीन्स कि जिसकी सीक्वेंस आपको पता है वहाँ से शुरू करोगे। ओके, तो जब भी कोई भी पजल आती है तो क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि मेरी पजल कैसी है, क्या टाइप की पजल है। अब उसके बाद में पूरी पजल को नहीं रीड करना, आपने पूरी पजल को रीड नहीं करना, साथ साथ में उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। अब जैसे यहीं पे था आपके पास में, ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि भी 5th और 23rd 2 डेट्स हैं और हमारे पास में मंथ कितने हैं बेटा, 4, 2 dates 4 months, दैट मीन्स कि टोटल हमारे पास में कितनी डेट्स आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके पास में नंबर ऑफ पर्सन भी कितने हैं, 8 है। तो जब भी इस तरह से पजल आ रही तो उस केस के अंदर आप क्या लोगे, सबसे पहले हमने लेनी है उसकी डेट, सबसे पहले क्या लेना है हमने, डेट। अब डेट के अंदर भी अगर हम यहाँ पे देखें क्या कह रहे हैं, 5th and 23rd। अब 5th के अंदर भी पहले 5th क्या आएगा आपके पास में, अप्रैल, ठीक है, फिर 23rd अप्रैल, इस तरह से, और इस तरह से फिर अप्रैल के बाद में हम क्या लिखेंगे, 5th अप्रैल, 23rd अप्रैल, 5th मई, 23rd मई, 5th जून, 23rd जून, इस तरह से आप मेंशन करोगे। अब उसके बाद में दूसरा क्या है आपके पास में, उनका नेम, दूसरा क्या है उनके पास में, नेम, और फिर इसके अकॉर्डिंग आप उनको एडजस्ट करो। ओके, अब जो आपके पास डायरेक्टली इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आप डायरेक्टली पुट कर दोगे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है उसको हम साइड में नोट डाउन कर लेंगे कि भाई आगे अगली स्टेटमेंट के बाद में क्या पता वो इन्फॉर्मेशन यूज हो जाए, वो उसके साथ में जुड़ी हुई हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो अब देखो इसको अच्छे से बेटा सॉल्व करते हैं साफ साफ। ये देखो इस तरह से हमने बना लिया, तो यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या है, क्या है डेट, 5th, सबसे पहले जो डेट थी वो क्या थी आपके पास में, 5th अप्रैल, उसके बाद में 23rd अप्रैल, ओके, उसके बाद में 5th मई, देन 23rd मई, 5th जून, देन 23rd जून, उसके बाद है बेटा आपके पास में 5th जुलाई और 23rd जुलाई। अब आप कहोगे कि मैम यार डेज वाला तो आपने बताया नहीं, अब यहाँ पे आप डेज कह रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपके पास में जो आगे कंडीशन गिवन है तो आपके उसकी वहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, बी वाज बोर्न इन ए मंथ हैविंग 21 डेज। अब जैसे उसने कहा कि 21 डेज, दैट मीन्स कि मुझे पता होना चाहिए कौन से मंथ में कितने कितने डेज हैं,
तो अगर आप, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रही हूँ इसलिए हमने यहाँ पे एक और कॉलम ले लिया डे का, बट इतना हमारे माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन से मंथ में कितने डेज हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे तो, ठीक है ना। बट मैं आपको बता दूँ, अप्रैल है बेटा उसमें 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, ठीक है, और जुलाई 31 डेज, डन। अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि बी किसमें पैदा हुआ है, 31 डेज, बट नॉट इन जुलाई, जुलाई नहीं होना चाहिए। अब देखो जुलाई के अंदर कह रहा है कि बी का बर्थ नहीं हुआ, कब हुआ है, 31 डेज, दैट मीन्स कि मई के अंदर हुआ है। अब मई में भी दो डेट है, वन इज 5th एंड द सेकेंड इज 23rd। अब आपको हेजिटेट नहीं करना दूसरा केस बनाते हुए, आप ये कर सकते हो कि भाई या तो उसका बर्थ कब हुआ है, बी का 5th मई को, या फिर हम ये कह देंगे कि भाई 23rd में। ओके, दो केसेस बन गए आपके। अब आगे आप देखो क्या कह रहे, 3 पीपल्स वर बोर्न बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 3 लोगों का बर्थ हुआ है, 3 लोगों का। अब अगर मान लो हम अप जाते हैं तो ऊपर तो 3 लोग आ ही नहीं सकते बी और डी के बीच में, दैट मीन्स कि नीचे आएंगे 1, 2, 3, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इस केस में देखते हैं तो बेटा डी यहाँ पे आ जाएगा, इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या, नंबर ऑफ पीपल वर बोर्न बिफोर डी, बिफोर डी इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल बोर्न आफ्टर ई, कहता है डी से पहले जितने लोगों का बर्थ हुआ है ई के बाद में भी उतने हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम फर्स्ट केस के अंदर देखें तो डी का बर्थ के, डी कहाँ पे आपके पास में, लास्ट से सेकेंड में, दैट मीन्स कि ई स्टार्टिंग से सेकेंड में आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डी लास्ट से लास्ट में, और तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो इसको कि भाई डी से पहले कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट मीन्स कि ई के बाद में कितने, 6, ई के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर, ये वाली लाइन क्लियर है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं बस इन्हीं को माइंड में रख के चलना आपने। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 पीपल बोर्न बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में 3 लोग, ई और ए के बीच में अगर हम 3 लोगों को रखते तो 1, 2, 3, ए यहाँ पे आ जाएगा बेटा। अगर हम यहाँ से देखते तो 1, 2, 3, ए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, क्लियर। जी वॉज बोर्न इन ए मंथ हैविंग 31 डेज, कह रहा है कि जी का बर्थ कब हुआ है, 31 डेज वाले मंथ में। अब 31 डेज का अगर हम देखें तो 31 डेज का ये भी है आपके पास में स्पेस खाली, और यहाँ पे भी अपने पास में स्पेस खाली, ठीक है ना। 31 के अंदर अगर हम इस वाले केस के अंदर देखें तो 31 डेज के अंदर बेटा सिर्फ यही एक स्पेस खाली, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं कि भाई यहाँ पे आपके पास में क्या आ सकता है, जी यहाँ पे भी आ सकता है या फिर जी यहाँ पे आ सकता है, बट इस केस में जी की एक ही पोजीशन बन रही है, जी यहाँ पे आएगा। ओके, क्लियर। या फिर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन लगती है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जी आएगा, एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं लिखना, बिकॉज जब तक कन्फर्म नहीं हो जाता उसको राउंड ऑफ करके रख लो, डन। हाँ जी, हैविंग 31 डेज, एच वॉज बोर्न इन ए मंथ हैविंग 30 डेज इमीजिएटली आफ्टर सी, सी के इमीजिएटली आफ्टर, ठीक है, दैट मीन्स कि सी के बाद में कौन आएगा बेटा, एच आएगा। एच वॉज बोर्न इन ए मंथ हैविंग 30 डेज, 30 डेज, और एच के लिए कितने दिन होने चाहिए इसमें, 30 डेज होने चाहिए, यही कहा है उसने। अब देखो हमारे पास में अगर हम स्पेस की बात करें तो 2 के लिए इकट्ठी स्पेस ये बन रही है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे सी और एच यहाँ पे एच को प्लेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो एच जो है, एच है आपके पास में इसके अंदर तो 31 डेज है, यहाँ पे देखिए ये 31 डेज है, और तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि उसने क्या कहा था कि एच का 30 डेज वाला मंथ होना चाहिए। अब इस केस के अंदर देखते हैं, अगर बेटा यहाँ पे मैं सी और एच को यहाँ पे प्लेस कर दूँ, यहाँ पे सी को रखूँ और यहाँ पे मैं एच को रखूँ, क्योंकि जहाँ पे दोनों मुझे इकट्ठे चाहिए ना इमीजिएट है, तो यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ तो उस केस में इसके कितने हैं, 30 डेज है, दैट मीन्स कि ये करेक्ट है। अगर यहाँ पे फिर सी आ जाएगा तो मुझे कन्फर्म हो गया कि जी कहाँ पे आएगा हमारे पास में, जी यहाँ पे आएगा। ओके, अब ये वाला केस हमारा कैंसिल हो गया। इस केस के अंदर आप ये देखो कि एक पर्सन बच गया, उसके लिए प्लेस भी एक ही है, क्या बच गया आपके पास, एफ पेंडिंग है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा।
तो आपकी पजल बन गई। हाँ जी बताइए, किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर तो कैसे सॉल्व करेंगे? इजी थी, इजी पजल थी। सी सेट के अंदर मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि लेवल डिफिकल्ट नहीं होता, इजी टू मॉडरेट लेवल होता है, बट थोड़े थोड़े कीवर्ड्स वगैरह, या आप ये कह सकते हो कि स्टेबल माइंड से जब आप पेपर करते हो तो आप उसको इजीली कर लेते हो क्वेश्चन को। बट अगर आप थोड़ी टेंशन में या फिर आप कहते हो कि थोड़ी हड़बड़ाहट के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, बिकॉज लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। ओके तो ये आपके पास में देखो, नोट डाउन कर लो, सभी की यही पजल बनी है, नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। अब इस पे बेटा आपके पास देखिए सेम पजल बेटा यहाँ पे रख दिए ताकि हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े। अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम के अंदर 2 to 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी पीपल वर बोर्न बिफोर सी, सी से पहले कितने लोग, सी से पहले कितने लोग, दिस इज सी, 1 2 3 कितने पर्सन है, 3। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास हु अमंग अस द फॉलोइंग वर बोर्न जस्ट आफ्टर डी, डी के बाद में कौन, तो डी के बाद में कौन, जी, जी का बर्थ हुआ, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज जी। ओके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हु अमंग अस द फॉलोइंग वाज बोर्न ऑन 5th जून, 5th जून, अब देखो 5th जून कहाँ पे, ये है किसका बर्थ हुआ है, एच का, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा आपके पास, एच आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिएगा, 3 of the following 4 are alike in a certain way, ये एक अलाइक वाला कंसेप्ट भी समझ लो। अलाइक का मीनिंग यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे आपके पास में ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 एक जैसे हैं, 4 are alike in a certain way एंड हैंस फॉर्म ए ग्रुप, 3 एक जैसे, दैट मीन्स कि वो एक ग्रुप के अंडर आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन सा उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो अब यहाँ पे देखो हमने चेक करेंगे इसको, तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो जो है आपके पास में जी, सबसे पहले जी, जी कहाँ पे है, दिस इज द जी। ओके उसके बाद में आपके पास बी, दिस इज बी, पूरे का पूरा इसको कंसिडर करो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ क्या सिमिलैरिटी बन रही है। अब यहाँ पे दो अगर सिमिलैरिटी होगी तो दोनों 31 के डेज मंथ में है, बट अगर डेट देखें तो दोनों की डिफरेंट है, अभी हम कंसिडर नहीं कर सकते। आगे देखो ई, ई को देखें, हाँ जी ई, 23rd अप्रैल, सी, सी इज अगेन 23rd मे, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो तीन है वो 23rd अप्रैल के हैं, सॉरी 23rd मे के हैं, जो भी डेट है अप्रैल मई जून, मीन्स कि दो डेट है अपने पास में, 5 और 23, जिसके अंदर से ये कह रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये 23rd है, ये भी 23rd है, ये भी 23rd है, बट दिस इज 5th मे, तो ये आपका डिफरेंट हो गया, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके हाँ जी, नेक्स्ट पजल है आपके पास में, नेक्स्ट पजल है, देखिए क्या है, क्या है यहाँ पे हमारे पास में, 7 people ABCDEF वर बोर्न इन 7 different years, आई 1961 1965 73 80 87 22 2002 2006, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास में, ईयर्स गिवन है, क्या गिवन है बेटा, ईयर्स गिवन है, ऑल द एजेस ऑफ द गिवन पर्सन हैव बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ 2020 के बेस पे उनकी एज को कह रहा कैलकुलेट किया गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे पास में क्वेश्चन है यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पर्सन की एज की जरूरत पड़ेगी, तभी कह रहा है कैलकुलेट करना है, और उसके बाद में इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास, डन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसको ईयर वाइज लगा लेना है, ईयर वाइज लगा लेना है, देखो लाइक दिस, यहाँ पे हम लिखेंगे सभी की ईयर्स, ईयर्स नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है आपके पास में, 61 1961, उसके बाद है बेटा 1965 1975 1980 1987 2002 एंड देन 2006, एक बच गया, अच्छा यहाँ पे 7 people है ना, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 8, डन क्लियर है। सबसे पहले क्या किया हमने, सारे के सारे ईयर्स लिख ली। अब उसने साथ में हमें क्या कहा है कि भाई सभी की ईयर जो एज है वो 2020 से कैलकुलेट करनी है आपने। अगर मैं 2020 की बात करूँ तो यहाँ से हमारे पास में एज आ जाएगी, अगर 2020 है तो ये कितने साल का हो गया बंदा, ये हो गया आपके पास में यस, ये हो गया बेटा 9
और 11 में से ये 59 ईयर्स का हो गया, ठीक है। अब आगे सभी के लिए माइनस करने की जरूरत नहीं है, माइनस इजी लगता है, माइनस कर लो, अदरवाइज यहाँ पे देखो ये इससे क्या है, चार साल बाद वो जन्म हुआ है इसका, ये देखो ना 61 या 65, दैट मीन्स कि यहाँ पे 4 का गैप आएगा आपके पास में, 4 का आएगा दैट मीन्स ये कितना आ गया, 55 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो गया, हाँ जी 8 का गैप है, इसमें से 8 माइनस करोगे, 8 माइनस करोगे तो कितना आ गया आपके पास में, 47। अब यहाँ पे हमारे पास में 7 का गैप है, 40, ठीक है ना। वैसे भी डायरेक्ट है भाई, 80 से लेके 2020 तक कितना हो गया, 40 साल का हो गया बंदा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में 7 का गैप है, 7 का गैप है तो यहाँ से हमने 7 माइनस किया, कितना आ गया 30। इसके यहाँ पे अगर हम देखें 2002 तो 20 तक 18 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास में, 40। क्लियर, कोई यहाँ तक कोई डाउट आ रहा किसी को? आगे देखो क्या है, कह रहे टू पीपल वर बोर्न, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी इज 7। ए और सी की एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अगर हम 7 एज का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे देखो इन दोनों का एज का डिफरेंस भी 7 है, ठीक है। और अगर इन दोनों का देखो तो भी मेरे पास में 7 आ रहा है, दोनों के डिफरेंस का कितना आ रहा है, 7 ईयर्स का आ रहा है। और साथ में उसने क्या कहा, ए इज एल्डर देन सी, ए इज एल्डर देन सी, दैट मीन्स कि अपने पास में क्या बन रहा है भाई, ए अगर ये है तो सी ये हो गया, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि यहाँ पे ये ए है तो ये सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है, ओके। अब आगे देखो क्या, टू पीपल वर बोर्न बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में टू पीपल का बर्थ हुआ है, यही कह रहा है, ए एंड ई हु इज नॉट यंगेस्ट, ई जब अपने पास में आता है बेटा हु, ध्यान रखो कीवर्ड्स का ध्यान रखो, जब आता है हु दैट मीन्स कि इसकी बात हो रही है, जो बाद में वेरिएबल है, अगर यहीं पे आता अपने पास में एंड दैट मीन्स कि इसकी बात हो रही होती, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, हाँ जी ध्यान से समझेंगे, टू पीपल आर बोर्न बिटवीन ए एंड ई हु इज नॉट यंगेस्ट, ए और ई के बीच में दो लोगों का गैप है, तो ए अगर यहाँ पे है तो 1, 2 ई यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे है तो ई अपने पास में कहाँ पे आ गया बेटा, 1, 2 ई, ठीक है। या साथ में उसने क्या कहा है कि वो तो यंगेस्ट नहीं है ई, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे ज्यादा छोटे एज का कौन है, ई है, यहाँ पे अगर आता है तो ये यंगेस्ट हो जाएगा, बट उसने क्या कहा है, यंगेस्ट नहीं है, दैट मीन्स कि ई यहाँ पे नहीं आएगा, 1, 2 ई यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। अब आगे देखो, डीज एज इज ए प्राइम नंबर, डी की एज क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब देखिए अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो यहाँ पे बेटा ये जो 47 है दिस इज प्राइम नंबर, ठीक है, और 59 ये भी प्राइम नंबर है, ओके, और तो कोई प्राइम नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ए है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन आ जाएगा आपके पास में, डी आ जाएगा। इस केस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ई है, दैट मीन्स कि यहाँ पे डी आ जाएगा, ओके। आगे देखो, डी वॉज बोर्न बिफोर सी, डी वॉज बिफोर सी, दोनों में ठीक बन रहे, थ्री पीपल वर बोर्न बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में 3 लोगों का बर्थ हुआ है, ये डी है तो जी कहाँ पे आ गया, 1, 2, 3, दैट मीन्स कि जी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो 1, 2, 3 जी हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद में है, बीज एज इज एन इवन नंबर एंड वाज बिफोर जी, जी से पहले है और इवन है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा इवन नंबर तो यहाँ पे हमारे पास में एक तो ये इवन बच रहा, ठीक है ना, ये इवन है तो ये आ जाएगा आपका पास में बी, ठीक है, बच गया एफ, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें इवन नंबर तो इवन नंबर ये है बी, और बच गया एफ, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट साथ में अब उसने क्या कहा, बीज एज इज एन इवन नंबर एंड वाज बोर्न बिफोर जी, जी से पहले उसका बर्थ हुआ है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बी क्या है, बाद में है, दैट मीन्स ये तो केस कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स कि ये आपके पास में करेक्ट सीक्वेंस बनेंगे, ओके, हाँ जी करेक्ट सीक्वेंस बन गई, डन। क्या आ गया आपके पास में,
सबसे पहले आएगा बेटा ई एफ डी ए सी बी जी, नोट डाउन कर लो, फिर इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। कोई कंफ्यूजन आ रहे हो? बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चन देखो, सेम अपने पास में बना था, सेम सीक्वेंस बनी है। देखो क्या, हाउ मैनी पीपल वर बोर्न बिफोर ई, ई से पहले कितने लोग, ई यहाँ पे है, ई तो सबसे पहले है, दैट मीन्स कि उससे पहले कोई भी नहीं है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, नन, क्या आएगा, नन। हाँ जी, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर बेटा यहाँ पे अपने पास में आ जाता नन और यहाँ पे आ जाता आपके पास में नन ऑफ दीज, आप क्या आंसर करोगे? आप यहाँ पे देखिए, नन का मीनिंग होता है जीरो, या आप कह सकते हो नो वन। नन ऑफ दीज का मीनिंग ये है कि आपके पास में जो गिवन ऑप्शंस हैं उन ऑप्शन में से कोई नहीं। तो हमने ध्यान से, कई बार पजल बन जाते हैं बट फिर भी हम आंसर रॉन्ग कर देते हैं, तो यहाँ पे इससे पहले कोई भी नहीं है, दैट मीन्स नो वन। सो क्या करेंगे, नन आंसर करेंगे, नन ऑफ दीज नहीं करेंगे। डन, नेक्स्ट देखिए, हु अमंग अस द फॉलोइंग अस बोर्न इन 2002 के अंदर किसका बर्थ हुआ है, बी का, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज बी। नेक्स्ट देखिएगा, हु अमंग अस द फॉलोइंग वाज 55 इयर्स ओल्ड, 55 इयर्स का कौन है, कौन है, एफ है। हाउ मैनी पीपल वर बोर्न बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में कितने लोग, ये एफ है, ये बी है, कितने, 1 2 3, दैट मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास में, 3। ओके, तो हाँ जी बेटा, अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसी पजल्स को आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, इजीली सॉल्व कर लेते, देन वेल एंड गुड। ये एक तरह से आपका खुद का लेवल भी चेक करने के लिए कि हाँ जी ऐसी पजल हम कर लेते हैं, देन गुड। अगर नहीं कर पाते तो प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज अभी अगर मैं कहूँ 2021 और 20 के अंदर इतनी ज़्यादा पजल्स नहीं आई हुई थी एग्ज़ाम के अंदर, बट अगर उससे पहले का अगर हम चेक करें तो इसके अंदर बेटा हर बार पजल आती होती थी आपके। आप ये कह सकते हो कि जो क्वेश्चंस हैं आपके 3 to 4 क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, और 3 to 4 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि 10 मार्क्स सीधा 10 to 12 मार्क्स। तो पजल पे प्रैक्टिस कर लेनी है, पता नहीं चलता यूपीएससी है, कुछ भी आ सकता है। तो आप पजल के लिए क्या कर सकते हो, या तो इसका जो पजल्स के लिए बेटा आप माइक्रो कोर्सेज में जाके इसका कोर्स ले सकते हो पजल का, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि जी सारे कोर्सेज के एक बार थोड़ा सा हमने चेक करना है, तो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड जी, ए और जी की एज का सम कितना है, ए कहाँ पे है, ये, ठीक है, जी कहाँ पे है, ये, अगर हम दोनों का सम करते हैं तो कितना हो गया, 54, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 54 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है तो जल्दी से लाइक और शेयर तो कर दो, अगर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से सभी लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं, थैंक यू सो मच।